103 रन और केएल राहुल 111 रन के शानदार शतकों के बूते भारत ने श्रीलंका पर 7 विकेट से विशाल जीत दर्ज की। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में शनिवार को हुए इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम ने आसानी से 39 गेंदे शेष रहते ही स्कोर साध लिया। कप्तान विराट कोहली 34 रन और हार्दिक पंड्या 6 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये दोनों ही टीम का विश्व कप 2019 में लीग राउंड का आखिरी मुकाबला था। श्रीलंका जहां पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो टीम इंडिया भी पहले से ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस जीत के साथ ही भारत अंक तालिका में नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुका है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 103 रन की शतकीय पारी के दौरान रोहित शर्मा ने विश्व क्रिकेट के कई कीर्तिमान अपने नाम किए। ये रोहित का इस टूर्नामेंट में 5वां शतक था। इसके साथ ही हिटमैन एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके पहले एंजेलो मैथ्यूज के शानदार 113 और लहिरू थिरिमाने के 53 रन के बूते श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में बुमराह ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। बुमराह ने 7.1 ओवर्स में 40 रन के स्कोर पर श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन लौटा दिया। चौथे ओवर में ही विरोधी कप्तान करुणारत्ने को धोनी के हाथों विकेट के पीछे लपकवाया, तो उसी अंदाज में कुसेल परेरा का भी काम तमाम किया। टीम अभी इस झटके से उभरी ही नहीं थी कि अपना पहला ओवर में फेंकने आए जड्डू ने श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरा दिया। 13 गेंदों में 3 रन बनाकर कुशल मेंडी स्टंपिंग हुए। अगले ही ओवर में हार्दिक पंड्या ने अविष्का फर्नांडो को निपटाकर श्रीलंका को 55 रन पर चौथा झटका दे दिया। 5वें विकेट के लिए एंजेलो मैथ्यूज और लहिरू थिरिमाने के साथ मिलकर 124 रन की साझेदारी की।